कितनी विशाल विशाल भुजाएं हैं, पूरा ब्रह्मांड उनकी भुजाओं में है, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपनी भुजाओं में समेट रखा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनकी भुजाओं की शक्ति के बारे में टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आपकी भुजा मैं जानती हूं कितनी ताकतवर है, श्री राम की भुजाएं छोड़िए, उनके छोटे भाई की भुजा में कितनी ताकत है पहले यही समझ लो, कितनी ताकत है। मंदोदरी बोली, रामानुज लघु रेख खिचाई। ओ सो नहीं नाघे उस मनु साई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने नासिक पंचवटी में एक रेखा खींच दी थी अपने हाथ से, उनके छोटे भाई की भुजा ने एक रेखा खींच दी थी, तुम्हारी भुजा रेखा के अंदर नहीं जा पाई, यह है तुम्हारी बहादुरी। बात कितनी बढ़िया कही मंदोदरी ने, साधारण बात कही क्या, धन्य है मंदोदरी। लंका कांड से बोलो बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक एक कांड साधारण नहीं है, हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला कांड है। लंका कांड को साधारण मत समझना, लेकिन बात यह है कि केवल झांझ मजीरा लेके बस अखंड रामायण कर लेते हो, ये परंपरा अच्छी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन अखंड पारायण का पाठ करना जीवन में जरूरी है, लेकिन रामचरितमानस के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। अखंड रामायण का पाठ करना जरूरी है, लेकिन रामायण के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो शिविर लगा हुआ है, ये जो कथा हो रही है, बोलो रामायण के मर्म को ही समझने के लिए। रामानुज लघु रेख खिचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनुसाई। रामानुज लघु रेख खिचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनुसाई। सो नहीं ईशो नहीं नाघे उस मनुषाई। सो नहीं नाघे उस मनुषाई। उस समय आपकी बहादुरी कहां गई थी ये बताओ। रावण बोला, मंदोदरी मैं तो रेखा पार कर रहा था, फिर क्यों नहीं किए, उसमें करंट सिस्टम था, मैं जा रहा था अंदर, उसमें करंट सिस्टम था, जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा करंट सिस्टम था, मुझे तेरी फोटो याद आ गई और मैं बैक हो गया। मंदोदरी बोली, फोटो देख के बैक हो गए, ओरिजिनल बोल रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो, बुद्धि खराब हो गई क्या, जब डायरेक्ट ही बोल रही हूं तो बैक हो जाओ, फोटो देख के बैक हो गए, केवल फोटो सामने आ गया, बोले तेरा फोटो आ गया सामने मैं बैक हो गया, ओहो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर है, करंट है। मंदोदरी ने कहा, एक बात और कहूं, तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो जनक जी ने, सीता जी के पिता जनक ने धनुष भंग की घोषणा की थी कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा, और तुम्हारी भुजाओं में अगर ताकत थी तो गए तो थे जनकपुर में, धनुष क्यों नहीं तोड़ दिया, और धनुष तोड़ देते चैलेंज से सीता जी को लाते, क्यों भाई भुजाओं में ताकत थी तो भुजाएं क्या गिरवी रखी थी उस समय, साथ में नहीं थी, पास में नहीं थी भुजाएं। रावण बोला, उस समय मूड काम नहीं कर रहा था,
देखो भाई है ना, मूड काम नहीं कर रहा था। मंदोदरी ने कहा चोरी करने में मूड काम कर गया है, चोरी करने में मूड काम करता है, धनुष तोड़ने में मूड काम नहीं किया। संभल जाओ, सुधर जाओ, मेरे सुझाव को मान लो। अंत में अभिमानी रावण बोल पड़ा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। ये अभिमान बोल रहा है रावण का, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जुर पू चढ़ियावा। मेरी भुजाएं युद्ध करेंगी और राम को, राम के जितने भी सहयोगी होंगे इस लंका के सम्रांगण में, मेरी भुजाएं उन सभी को न्यस्त नाबूद कर देंगी। मंदोदरी ने कहा आज के बाद बस बात नहीं करूंगी, अब आज के बाद बात नहीं करूंगी, बोलना मेरा व्यर्थ है, उचित नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए मैं समझ गई हूं कि लंका के विनाश का समय आ गया, लंका के विनाश का समय आ गया। अब लंका कांड होके ही रहेगा, अब लंका कांड रुकने वाला नहीं है। तो प्यारे, लंका का जो विशाल कांड, जहां रहा न कोकुल रोवन हारा, ईमानदारी से बताओ, मंदोदरी की बात अगर रावण मान गया होता तो बच जाता ये लंका कांड कि नहीं? ये बहुत बड़ी घटना जो लंका में घटी। एक और बढ़िया बात बता दें आपको, ये लंका कांड की अंतिम बात है, फिर उत्तर कांड की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है ना? उत्तर कांड, क्योंकि समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, 6:30 बजे विश्राम करना पड़ेगा और आरती प्रसाद वितरण में भी आज विश्राम दिवस है ना, तो आपकी भीड़ भी अच्छी हो रही है, रोज ही भीड़ बढ़ती है और उत्साह है आपके जीवन में, कथा सुनने के प्रति बहुत बड़ी लालसा है, उत्साह है, हम भी बहुत प्रसन्न हैं आपके इस भाव से। जब राम रावण का युद्ध हुआ प्यारे, उस युद्ध में विभीषण जी ने जब मृत्यु का रहस्य बताया भगवान राम को, नाव कुंड पीयूष वश याके नाथ जियत रावण बल ताके, तो जब मृत्यु का रहस्य विभीषण जी ने बताया कि नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत रहेगा इसकी मृत्यु नहीं होगी प्रभु, इसलिए पहले इसके अमृत को नष्ट किया जाए। इसका मतलब है कि इस मृत्यु के रहस्य को बताने वाला विभीषण है। भगवान ने 31वां वाण छोड़ा, वही अमृत कुंड को नष्ट करता है। छाण सर 31 रघुनायक शायक चले मानहु काल फणीश, 31वां वाण जब चला तो सीधा नाभि कुंड में जाकर के प्रवेश करता है और उस नाभि कुंड में जो अमृत था उस फणीश ने उस अमृत का शोषण कर लिया। रावण कहां राम रन हतो पचारी कह के गिर पड़ा। अंत में उसने ये कहा है, कहां राम रन हतो पचारी, और कह करके रावण गिर गया। जैसे ही रावण गिरा, मंदोदरी के पास सूचना पहुंची कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। मंदोदरी ने कहा ये तो मैं समझ रही थी कि मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन जरा मैं देखना चाहती हूं कि मृत्यु के बाद क्या हुआ। मैंने अपने पति का जीवित अवस्था का स्वरूप देखा है, लेकिन मृत्यु के बाद का क्या स्वरूप है ये मैं देखना चाहती हूं। दौड़ पड़ी मंदोदरी, दौड़ पड़ी, और जैसे मंदोदरी दौड़ के आई तो देख क्या रही है, माथा पकड़ के रो रही है, और देख क्या रही है, दुर्दशा रावण की हो रही।
काक कंक ले भुजा उड़ाही। कौआ जो है रावण की भुजा ले जा रहा है, ये रामायण का प्रमाण है। देखो लंका कांड का मंदोदरी देख रही है ये। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तेक छीन ले खाही। एक कौआ रावण की भुजा ले गया, दूसरा कौआ उस कौए से भुजा छीनता है, ले जाता है, फिर वो वापस आता है। इस तरह से बोलो ये दृश्य किसने देखा? मृत्यु के बाद का मंदोदरी ने देखा। मैं कहता हूं ये तो मैंने सुना है कि एक ऐसी अज्ञात लाश पड़ी थी जिसको गीधड़ कुत्ते और कौए खा रहे थे। एकांत में ऐसी लाश पड़ी थी, लेकिन एकांत में वो रावण की लाश नहीं थी। बोलो थी क्या एकांत में? 33 करोड़ देवता देख रहे थे, रामादल में जितने वानर भालू थे वो सब देख रहे थे। स्वयं रावण का छोटा भाई विभीषण खड़ा हुआ था और थोड़ी ही देर में मंदोदरी आ गई। बोलो एकांत कहोगे इसे? नहीं नहीं, एकांत नहीं, सबकी आंखों के सामने वो दृश्य था और कोई कौए को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर कोई कौओं को रोक रहा होता, अब बताओ भैया, ऐसा बलवान जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, लेकिन उसकी भुजाओं को कौए ले जा रहे, उन कौओं को कोई रोक नहीं पा रहा, उन कौओं को कोई रोका ही नहीं पा रहा है। बोलो रोक पा रहा है क्या? बताओ जरा, कोई नहीं रोक पा रहा। ये दुर्दशा, ये विडंबना अन्यायी की मृत्यु के बाद की है। मंदोदरी ने रावण की लाश पर माथा पटक दिया और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात मान जाओ, मेरी बात नहीं मानी, ये दशा हुई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। काक कंक ले भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही। प्यारे, लंका कांड आपको प्रेरणा देता है कि हमें ना तो धन का अभिमान करना चाहिए, ना बल का अभिमान करना चाहिए, ना बुद्धि का अभिमान करना चाहिए। हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे और हमें भगवान मिल जाएं, बस यही दो की आशा करो। मेरा स्वाभिमान बरकरार रहे, अभिमान करना गलत है, लेकिन स्वाभिमान हमारा सुरक्षित होना चाहिए। स्वाभिमान हमारा सुरक्षित रहे और हमें भगवान मिल जाएं। हमें बल और धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अंत में परिणति क्या हुई अभिमान की, वो लंका कांड ने बता दिया। बोलो बता दिया कि नहीं? अभिमान की परिणति लंका कांड में देखने को मिल गई। अभिमान नहीं करना चाहिए। आइए अब उत्तर कांड में हम लोग थोड़ा प्रवेश कर रहे हैं। लगभग लगभग क्यों भैया, सभी कांडों से जुड़ गए आप कि नहीं जुड़ गए इस कथा में? हैं, नहीं तो ये होता कि और कांड तो बहुत रह गए, लेकिन विस्तार फिर भविष्य में करूंगा। एक एक कांड की कथा का विस्तार
बहुत अच्छे ढंग से होगा, भविष्य में फिर आएंगे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा तो होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहे और शरीर ही रहे, स्वस्थ रहे और शरीर रहे और शरीर स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से कथा होती रहेगी। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा शरीर रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन हमारे श्रोताओं का भी शरीर सदा स्वस्थ रहे, तभी तो हम कथा सुनाएंगे, नहीं टेंट पंडाल को सुनाने आएंगे क्या? क्यों भाई, हमारे श्रोताओं का शरीर स्वस्थ रहे। भगवान से यही मैं प्रार्थना नित्य करता रहूंगा, और डायरेक्ट हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे भगवान, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, क्यों भाई है कि नहीं? और तुम सभी भक्तों के स्वास्थ्य की मंगल कामना हम नित्य करेंगे, तो ठाकुर जी आप सबको भी पूर्ण स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, अच्छे कार्यों में व्यस्त रखेंगे, ये भगवान करेंगे निश्चित रूप से, ठाकुर जी की कृपा रहेगी। उत्तरकांड, रावण तो मर गया, विभीषण जी सिंहासनासीन हुए, भगवान राम को भरत की याद आ रही है, भरत की याद आ रही है भगवान राम को। तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान को भरत की याद आ रही है, क्यों आ रही है याद? इसलिए कि चित्रकूट में भरत जी से ये कहा था कि मैं अवध में अवध के अंतर्गत आऊंगा, भरत तुम मेरी बात पर विश्वास रखो और तुम जाओ वापस अयोध्या, मैं अवध में अवध के अंतर्गत आऊंगा। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं भरत रो रहा है, रहा एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जान कुटिल की धोमे बिसरायउ, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। मैं कपटी हूं, कुटली हूं, अधम हूं, मुझ अधम को चित्रकूट से वापस कर दिया लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाग्यवान दूसरा कोई है नहीं, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई दूसरा नहीं। अहे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण तुम बड़ भागी हो, भरत जी कहते मैं अभागी हूं। भगवान देख रहे हैं इस दृश्य को, संसार में क्या हो रहा है ईश्वर देख रहा है। क्यों भाई, ईश्वर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ईश्वर देख रहा है। संसार की नजरों से तुम छिप सकते हो, अपने को छिपा सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजरों से क्या तुम छिप सकते हो? नहीं, वो सब देख रहा है। कौन क्या कर रहा है? ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन इतना गंभीर है कि वो बोल नहीं रहा है तुमसे, वो गंभीर है। वो कहता है कि अभी तुम अपने मन का काम करो, जब मेरी अदालत में आओगे तब पाई पाई से हिसाब लूंगा। समझ गए हो कि नहीं? वो गंभीर है, समुद्र से भी ज्यादा गंभीर है। समुद्र में कितनी गहराई है इसका भी मापदंड नहीं है कोई, लेकिन शायद कोई समुद्र की गहराई को माप सकता है, लेकिन परमात्मा कितना गंभीर है
इस मापदंड को कोई लेकर के नहीं जा सकता ईश्वर के पास, ना उसकी गंभीरता की गहराई को माप सकता है। ईश्वर कितना गहरा है, गंभीर है, कितना गंभीर है। आज भरत जी को देख लिया, भरत तो बेचैन हो रहा है। भगवान भी यहां आंखों में आंसू भर के कहने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा, बीते अवध जाऊं जो तुझियत न पावहुं बीर, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर, पुनि पुनि पुलक शरीर। राम जी कह रहे हैं कि यदि अवध में अवध के उपरांत पहुंचूंगा तो अपने भरत भाई को जीवित नहीं पाऊंगा, अब क्या करूं। सोच ही रहे थे तब तक हनुमान जी आ गए। जैसे हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? अब रावण तो मर ही गया, बच कौन गया बता दो, तो उसको भी हम निपटा दें। भाई रावण तो मर गया, अब आप कौन बच गया? भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं हनुमान, रावण मर गया है, रावण के कर्मों ने उसे मार दिया। किसने मार दिया? कर्मों ने। लेकिन अगर रावण मर गया लंका में, अयोध्या में मेरा भाई भरत मर गया, तो फिर क्या तुलना होगी? कि देखो परिणाम सामने आ गया कि रावण को मारा, उधर भाई मर गया। ये बदनामी किसके हाथ में लगेगी बोलो? हनुमान जी ने कहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि काल हिम्मत कैसे जुटा रहा है कि भरत जी को मारने के लिए जा रहा है। हे प्रभु, लक्ष्मण के ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ था, इसी लंका में हुआ था, आपने भी ये कह दिया था कि जई हो अवध कवन मोहिलाई नारी हेत प्रिय बंधु गमाई, आपने ये कहा था। उदास हो गए थे आप, लेकिन मैंने आपको सांत्वना दी थी, और केवल सांत्वना ही नहीं दी थी, सुखैन वैद्य ने जो उपाय बताया था जिस औषधि के बारे में, मैं समय से वो औषधि लाया था, वो संजीवनी लाया था, और लक्ष्मण जी को जीवंत मिला था कि नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास करें। कोई वैद्य ऐसा बता दो जिसको लेके हम पहुंच जाएं, और वो वैद्य औषधि बता दे जिस औषधि से भरत के प्राण रक्षा हो, आप बताइए। तो भगवान राम ने कहा, यही तो मुश्किल है, लक्ष्मण के पास संजीवनी बूटी आई, और संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को जीवंत दे दिया, लेकिन भरत के पास अगर संजीवनी पहुंच जाएगी तो शायद वो द्रोणागिरि पर्वत पर रहने वाली संजीवनी भरत को जीवंत नहीं दे सकती। फिर भरत को जीवित करने के दो ही उपाय हैं, या तो भरत के सामने राम पहुंच जाएं तो भरत जीवित हो सकते हैं, अथवा राम कथा रूपी संजीवनी पहुंच जाए, राम कथा रूपी संजीवनी पहुंच जाए। हनुमान जी ने कहा, हमारे पास दोनों हैं, राम भी हैं और राम कथा भी है। क्यों भैया, ये बात सही है कि नहीं? राम भी हैं हनुमान जी के पास और राम कथा भी है। और एक बात बताएं प्रभु, या तो हम आप ही को ले चलें डायरेक्ट, और नहीं तो जो प्राइवेट व्यवस्था में आप हैं मेरे अंदर क्यों भाई, सही बताओ, हनुमान जी के अंदर हृदय में कौन बैठे हुए हैं? आपने कहा राम, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो हृदय में राम, और हृदय में ही राम कथा, बोलो है राम कथा कि नहीं? हृदय में ही राम कथा है, हृदय में ही राम है। हनुमान जी ने कहा, या तो आप चले चलो,
नहीं, मेरे पास जो स्पेशल व्यवस्था है उसी का मैं प्रयोग करूंगा। आप तो ये बताओ, आप चल रहे हो कि हमें भेज रहे हो? भगवान ने कहा ऐसा है हनुमान, तुम जब जाओगे तो मुझे लेकर के ही तो जाओगे। हाँ, आपको लेके जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा सीता को लेके जाओगे तो राम सीता बैठे हृदय में। लेकिन लक्ष्मण, तो भरत ये प्रश्न करेगा ना, मुझसे ही प्रश्न करेगा कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं यही कहूंगा कि पीछे आ रहा है, है? पीछे आ रहा है। तो भरत जी यही कहेंगे कि साथ में ले गए थे लेकिन छोड़ के चले आए आप। साथ में जब अयोध्या से ले गए थे तो अयोध्या में साथ में ही लेके आना चाहिए था। अयोध्या के लोग भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, माँ कौशल्या भी पूछ सकती हैं। हे हनुमान, सत्य तो यह है कि भरत अगर मुझे नहीं प्राप्त करेगा, लक्ष्मण को नहीं देखेगा, सीता को नहीं देखेगा, तो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो तीनों एक साथ कैसे जा सकते हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था है? हनुमान जी ने कहा इसके लिए व्यवस्था है विमान, पुष्पक विमान। तीनों चले जाएंगे, वो जितने हैं वे सब चले जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई रह ही नहीं जाएगा, पुष्पक विमान। तो कहा पुष्पक विमान बुलाओ। पुष्पक विमान आया था, तो पुष्पक विमान में राम लक्ष्मण और जानकी तीनों तो बैठे ही, लेकिन जितने बंदर भालू थे, बोलो वो सब बैठ गए कि नहीं बैठ गए? पुष्पक विमान इतना बड़ा, एक सज्जन बोले महाराज इतना बड़ा था पुष्पक विमान? अरे पुष्पक विमान तो इतना बड़ा था कि उसमें बढ़ने की क्षमता थी, पूरी बंबई बैठ जाए फिर एक सीट खाली, हाँ पूरा महाराष्ट्र बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा भारत बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा विश्व बैठ जाए एक सीट खाली। बढ़ता रहता था पुष्पक विमान, क्यों? एक सज्जन बोले महाराज इतना क्षेत्रफल कैसे? हमने कहा जब रहने वाले लोग अंदर जा रहे हैं तो जगह खाली हो गई पीछे, क्यों भाई? जगह पीछे खाली, जब सब रहने वाले लोग जब विमान में अंदर आ रहे हैं तो जगह खाली, विमान को जगह मिल रही है बढ़ने के लिए, विमान बढ़ता रहता था, ये उसमें क्षमता थी, ये वरदान प्राप्त था पुष्पक विमान को। हनुमान जी ने कहा कि अब विमान आ गया है, सभी बैठ गए, बानर भालू भी बैठे, अब क्या दिक्कत है? भगवान बोले लेकिन विमान से ये तो चलो, कहो कि ये चले विमान से। हनुमान जी ने कहा कि अब विलंब नहीं करो, जल्दी चलो। पुष्पक विमान चला, जैसे ही पुष्पक विमान चला साहब, प्रयागराज में पुष्पक विमान पहुंचा, और जैसे प्रयाग में पुष्पक विमान पहुंचा तो भगवान राम ने कहा हनुमान इधर आओ, जिस गति से ये विमान चल रहा है, समय से ये विमान मुझे अयोध्या नहीं पहुंचाएगा, और समय से यदि ये विमान अयोध्या नहीं पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से भरत के प्राण नहीं बचेंगे, अब क्या होना चाहिए? हनुमान जी ने कहा विमान नहीं पहुंचाएगा लेकिन हनुमान तो पहुंचाएगा, आप बैठिए हनुमान जी कंधे पर, अभी ले जाता हूं। हनुमान जी में ये क्षमता है कि एक कंधे एक साइड में श्री राम जी, दूसरी तरफ श्री जानकी जी भी बैठ जाती, और लक्ष्मण जी की पूंछ बड़ी मजबूत है, लक्ष्मण जी तो क्यों भैया पूंछ ही का सहारा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने बानर भालू हैं वो बोले हम लोग कहाँ जाएंगे? हनुमान जी ने कहा तुम लोगों के लिए विमान है, आराम से विमान में बैठ के आओ। बंदरों ने कहा देखो हम विमान में विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, विमान में भगवान के भरोसे बैठे थे, और जिस विमान से भगवान निकल जाएं वो विमान अयोध्या जाएगा कि कंधार? क्यों भैया पता नहीं, उसका ठिकाना नहीं कि किधर चला जाए, है? विमान भी चल रहा है तो भगवान के भरोसे चल रहा है, बोलो भाई। तुम्हारा वाहन भी चल रहा है तो ड्राइवर के भरोसे नहीं चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है बोलो? भगवान के भरोसे चल रहा है। तुम कहो हमारा ड्राइवर बहुत होशियार है, अरे तुम्हारा ड्राइवर होशियार है और सामने वाले का ना हुआ होशियार तो क्या करोगे तुम, कहाँ जाओगे बोलो भाई? वो उसका लक्ष्य ही कुछ बन जाए अथवा वो मूर्खता का परिचय दे दे तो आखिर तुम कहाँ जाओगे?
इसलिए होशियारी मत बताना, ना वाहन पे भरोसा करना, ना ड्राइवर पे भरोसा करना, ना सड़क पर भरोसा करना, भगवान पर भरोसा करना कि भगवान के सहारे हम चल रहे हैं। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। इसलिए भगवान के भरोसे घर चलाओ, भगवान के भरोसे वाहन चलाओ, और भगवान के भरोसे ही व्यापार चलाओ प्यारे, भगवान पर भरोसा करो। ईश्वर की सत्ता विलक्षण सत्ता है, ईश्वर की सत्ता ताकतवर सत्ता है, सामर्थ्य है उसमें। इसलिए समर्थ प्रभु राम की शरण में रहो, उन पर विश्वास करो और निश्चिंत होकर के रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।